कृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण का ये पूरा मामला है। दिल्ली से खबर है जहां आपको बता दें कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण का मामला, अतिक्रमण विरोधी अभियान पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन की रोक लगा दी है। मामले में एक हफ्ते बाद होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को जारी किया नोटिस। रेलवे पर अवैध रूप से डिमोलिशन की कार्रवाई का आरोप है। लोग 100 साल से भी अधिक समय से वहां रह रहे हैं, ये याचिकाकर्ता का साफ तौर पर कहना है। पीयूष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया जिसके बाद रोक लगा दी गई? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात करें या भारत में अलग अलग इलाकों में जहां पे भारतीय रेलवे के जमीन पर अवैध रूप से निर्माण कराए गए हैं, उनको हटाने का काम जो है वो भारतीय रेलवे की ओर से किया जा रहा है। आपने देखा कि ना सिर्फ श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात करें, आसपास के इलाकों की बात करें जहां रेलवे की भूमि है, इसके साथ ही दिल्ली में भी तमाम जो दो मस्जिदें हैं वहां पर नोटिस बाकायदा रेलवे की ओर से चिपकाया गया था कि आप लोग इसे स्वेच्छा से हटा लें, नहीं तो रेलवे अगर कार्रवाई करता है, अगर इन मस्जिदों को हटाता है या इन मजारों को हटाता है तो इसके लिए जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे क्योंकि ये रेलवे की जमीन पर बनाया गया है। लेकिन जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनका कहना है कि हम करीब 100 साल से ज्यादा से यहाँ पे रहते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं वो अपना दावा कर रहे हैं। मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया था, याचिकाकर्ता ने सीधे तौर पे कहा था कि 100 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ऐसे में रेलवे जो है वो कहीं ना कहीं गलत कार्यवाही कर रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो यथावत स्थिति है, जहां जहां भी ये आरोप लग रहे हैं कि रेलवे अवैध रूप से बसे हुए लोगों को हटा रहा है, उनकी जमीनों पर जो बस गए हैं, वहां पे यथावत स्थिति 10 दिनों के लिए बनी रहे। 10 दिन बाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, तब सबकी निगाहें टिकी होंगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला देता है, क्या रेलवे की जमीन पर जो लोग रह रहे हैं उनका जो दावा है वो सुप्रीम कोर्ट में अपने दावे को सच कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या रेलवे अपने दावे को सच कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। दोनों ही पक्षों की दलील सुप्रीम कोर्ट 10 दिन बाद सुनेगा, उसके बाद एक महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहीं ना कहीं अगली बार जब सुनवाई होगी तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब क्या फैसला सुनाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।